यूपी में किस बाहुबली नेता के रिश्तेदार की संपत्ति पर चला सीएम योगी का बुलडोजर। कोविड अस्पताल में कहां हुआ कोरोना पॉजिटिव महिला का यौन शोषण और कहां दिखा स्विट्जरलैंड जैसा दिलकश नजारा। प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद की हैं। देखिए कैसे 3 गुंडे एक युवक को लाठी डंडे से बेरहमी से मार रहे हैं, फिर चौथा गुंडा आता है और ईंट पत्थर से युवक पर हमला करता है। घायल युवक की अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। मामला पुरानी रंजिश का है। बिहार के वैशाली में पुलिसकर्मियों ने एनडीआरएफ की गाड़ी पर डंडा मारकर शीशे तोड़ दिए। जवाब में गुस्साई एनडीआरएफ की टीम ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। सड़क पर लगे जाम के कारण विवाद शुरू हुआ था। वायरल हो रहा ये वीडियो 10 नवंबर का बताया जा रहा है। इस दिन बिहार में वोटों की गिनती हो रही थी और आरोप है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रांची में रिम्स डायरेक्टर के केली बंगले में बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा नहीं करने के फरमान पर बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि बिहार के साथ पूर्वांचल के लोगों का ये महापर्व है और इस पर रोक उनकी आस्था पर चोट है। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद के रिश्तेदार की अवैध संपत्ति को योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। अतीक के साढ़ू इमरान की अवैध बिल्डिंग तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट में बनी थी। बिल्डिंग में नीचे दुकानें और ऊपर घर बनाया हुआ था। पटाखे जलाते वक्त गंभीर रूप से झुलसी बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल की पोती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चों के साथ खेलते वक्त पटाखा फटने से हुए हादसे में किया जोशी 60% तक झुलस गई थी। कुछ दिन पहले ही वो कोरोना को हरा कर वापस लौटी थी। यूपी के बुलंदशहर में LLB छात्रा से गैंगरेप के मुख्य आरोपी कमरुद्दीन को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित छात्रा ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी। केरल के कोझिकोड में कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ हुए यौन शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज कई राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुदरत के इन दिलकश नजारों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये स्विट्जरलैंड होगा, लेकिन ये रुद्रप्रयाग है और तस्वीरें ड्रोन कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की गई हैं। दरअसल यहाँ चोपता दुगलबिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है।